लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ, ये पंडाल बहुत अच्छा पंडाल है, सबसे बड़ा पंडाल है इस मंच गांव का। ये सबसे पहले तो ये पंडाल 50 सालों से बन रहा है और सबसे पहली बार यहाँ ही रखा गया था और निरंतर बनता है, कभी इसमें यहाँ पे गैप नहीं हुआ है बनने में। और यहाँ इसीलिए 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 9 देवियों की प्रतिमा रखी गई है और भव्य आयोजन है, प्रसाद की भी अच्छी व्यवस्था है, लोग भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ व्यवस्था की गई है, सबने बहुत मेहनत से व्यवस्था की है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से ये पंडाल सजा है और यही बात है कि ये 50 सालों से लगातार बनता चला आ रहा है पंडाल, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है और इसीलिए ये अपना स्वर्णिम कहिए कि सुनहरा वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए इस बार कुछ विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष स्थापनाएं हुई हैं, जैसे 9 देवियों का स्थापना हुआ है, कुछ और भी मूर्तियां हैं स्थापित हुई हैं और बहुत ही भव्य आयोजन है, बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता। ये जो पंडाल इतना भव्य पंडाल बना हुआ है जी, उसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ 1970 से मूर्ति लगातार स्थापित होती रही है और इन साल जो है यह 50वां वर्ष है और 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ जो है माता के 9 स्वरूपों की स्थापना की गई है और उनके साथ साथ और हनुमान जी, शंकर जी और विभिन्न देवी देवताओं की स्थापना मूर्ति की गई है। तो यह मूर्ति होने के इतनी मूर्तियाँ होने के कारण जो है यह पंडाल बड़ा बनाया गया है। अगर पंडाल नहीं बड़ा बनाया जाएगा तो फिर जो है यहाँ भीड़ कंट्रोल में नहीं आती है, इसीलिए यह पंडाल बनाया गया और इसको भव्यतम रूप देने के लिए बड़ा बनाना अति आवश्यक था। किसका सहयोग रहा है इसमें? हर समाज दुर्गा पूजा डोल समिति के समस्त सदस्यों और नगर के समस्त सम्मानित व्यक्तियों तथा मोहल्ले के सभी लोगों ने जो है अथक प्रयास से इसमें सहयोग किया है और उसी के द्वारा यह पंडाल आज इतना बड़ा होने में पूरा उपाय है। हमारा नाम अनमोल मिश्रा है। ये जो पंडाल स्थापित किया गया कहाँ पे है? ये कटरा चौराहा निचलोल में स्थित है। आप कहाँ रहते हो? हम कटरा चौराहे के निवासी हैं, निचलोल के। ये क्या आस्था है या मनौती है? माने हुआ मनौती भी है और आस्था भी है। कितने लोगों की आस्था जुड़ी है इस पंडाल से? ये आस्था निचलोल के कटरा चौराहे के सभी नागरिकों के लिए, ये सभी लोग के आस्था के कारण ये पंडप बना हुआ है। कितने सालों से बनाया जा रहा है? ये 2001 से और 2019 जो चल रही है अभी तक ये चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। कितने लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हुआ? ये हमारे पूरे निचलोल के चौराहे के सहयोग से हमारा मंडप स्थापित हुआ है। हमने शिवानी यादव। ये जो पंडाल बना हुआ है ये किस जगह पर? दाती देवी मंदिर। कितने वर्षों से किया जा रहा है? लगभग 25 वर्षों से लगभग। क्या मनोकामना है, आस्था है या मंदिर? आस्था है। हर वर्ष किया जाता है? हाँ। हर वर्ष लगभग कितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं? लाखों लोग आ जाते हैं। इस वर्ष आप माता रानी से क्या कहना चाहेंगे? जो भी हम कहेंगे मन में कहेंगे ना, हाई स्कूल पास हो जाए बस। और कोई मनोकामना ऐसा जो है वो मन में है? हाई स्कूल पास करने के बाद क्या करना चाहिए?
डॉक्टरी डॉक्टरी डॉक्टर बनकर क्या लोगों को लोगों का सेवा करना है या नहीं? सेवा करना है, इसलिए तो हम लोग दरबार में प्रसाद बांट रहे हैं ना। चलिए माता रानी आपको मौका मिला। कहाँ पे आई हुई हैं निश्रोल में, आप क्या करने आई हैं? दर्शन करके कैसा लग रहा है आपको? राज आपके 9 दिन के बाद पूरा हुआ है, माता रानी से क्या तमन्ना करती हैं और क्या इच्छा करती हैं कि आपका जो भी है पूरा हो जाए? हम यही इच्छा करते हैं माता जी सबको समृद्धि शांति दे और परिवार में सबको सही तरह से सलामत रखे, क्योंकि परिवार हमारी माता जी से। 9 दिन के पर्व में क्या खाना पीना रहता आप लोगों? वर्षों से हम लोग के उसमें चल रहा है, 14 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष हम लोग रखते हैं, और हम लोग के जो बड़े लोग हैं उन लोग के द्वारा भी काफ़ी समय से रखा जा रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि 40 तो मान के चलिए 40 वर्षों से लगातार यहाँ पे पंडाल की स्थापना होती है, माँ दुर्गी की प्रतिमा की स्थापना होती है, और जो कि हर वर्ष पंडाल की स्थापना करने की कोशिश रहती है, और अब आगे भी यही उम्मीद है कि हम अपने इस पंडाल का जो है कि इसी तरह से स्थापना करें। श्री धर्मेंद्र कुमार, कहाँ पर स्थापित करवाए हैं? कृष्णा नगर कॉलोनी को रोड निचोल महाराजगंज उत्तर प्रदेश। जी सर, मेरे पिताजी मिलिट्री में रहते थे, जब दरअसल कुछ दिन की छुट्टी आई थी जब कारगिल और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में 15 दिन के लिए छुट्टी आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए उनको 1 महीना हो गया, तो इसके लिए उनको उनके डिपार्टमेंट से उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो मन्नते वो मान जी, हे माता जी, हमारे मुकदमा हाई कोर्ट से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है, हमारे मुकदमा अगर फाइनल हो जाएगा, हमारा जॉब हमको वापस मिल जाएगा, तो हम आपके आस्था को 5 साल तक हम लगातार स्थापित करेंगे। दुर्गा पूजा क्या हुआ? तो सर सब कुछ मंगल मंगल, माता की कृपा, सब मंगल मंगल हुआ और हमारा पूरा परिवार मंगल मंगल में है, और मैं मनोकामना करता हूँ कि पूरे हमारे देशवासियों को भी हमारे माता जी की कृपा लगे और सारे देशवासी खुश रहे। कई दिन व्रत रही हैं आप? क्यों बाकी डे पहले जाना ज्यादा व्रत पर जाता? अच्छा, व्रत रहने के बाद आप क्या अपेक्षा करती हैं माता रानी से? मान लीजिए अगर आपको अच्छा जॉब मिल गया तो क्या करेंगी माता जी के लिए आप? भंडारा करवाएंगे, भव्य भंडारा होगा। हाँ, हाँ। चलिए माता रानी आपकी कामना को पूरा करें। व्रत रहती है? 9 दिन व्रत रहती है? क्यों रहती है व्रत? आप जो हर साल ऐसे माता जी का दर्शन करने आती हैं, तो आपको कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। आपके सब पूरे परिवार वाले लोग हैं? उनको लगा, मम्मी को लगा। मैंने आप बोलिए ना, ऐसे साइड में बताइए, इधर सामने से। सामने सामने मेरे तरफ देखे, ऐसे सामने से बोलिए, सामने आ जाइए। आज नवरात्रि का 9वां रात है, माता रानी से क्या अपेक्षा करती हैं आप? माता रानी हम लोग बच्चे अच्छा रहे और अच्छा रहे, यही चाहिए। 9 दिन में 9 दिन आप जो व्रत रही हैं, क्या सोच के रही हैं? यही कि माता रानी के आशीर्वाद हमेशा। आज नौरा
कैसा मेला रहा और क्या बिक्री हुई अभी? बहुत शानदार मेला भी बहुत अच्छा लगा था और खिलौना भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। हर वर्ष की अपेक्षा इस साल कुछ ज़्यादा भीड़ थी या कम थी? नहीं, ज़्यादा भीड़ थी। मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है। ये जो मूर्ति जो दुर्गा मूर्ति स्थापित हुई है वो कहाँ पे हुई है, किस स्थान पे? ये चंडी माता के स्थान पे रेडी मोहल्ले में स्थापित हुई है। निचलौल में हुई है? निचलौल में। कितने वर्षों से हो रही है ये? विगत 14 वर्षों से हम लोग ये स्थापना कर रहे हैं, माता रानी का यहाँ पे मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। उसी आस्था के तौर पे हो रही है या फिर यह कुछ मन्नत वन्नत है? ये हमारी आस्था है और हम लोग जब तक, कोशिश यही हमारी कि हम लोग जब तक हैं तब तक हम लोग स्थापना करते रहेंगे। बहुत ही अद्भुत है, माता का नौ रूपों का दर्शन एक ही पंडाल के नीचे हो जा रहा है, एक अपने आप में एक कल्पनीय है। एक पंडाल के नीचे नौ रूपों का दर्शन और बाकी भी टोटल 15 मूर्तियां हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बहुत ही दिव्य है। हाँ, हम हर साल पूरे निचलौल में हर पंडाल में जाते हैं, दर्शन करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। मुकेश जायसवाल, कहाँ रहते हैं? नई नगर निचलौल, नगर पंचायत निचलौल में। आज का जो उत्सव मनाया नवरात्रि का, जो रात में उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है? काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह डोल समिति या श्री श्री बिंदेश्वरी दुर्गा समिति पांडे मोहल्ला गायत्री देवी स्कूल में ये कई वर्षों से काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है यहाँ पे। मनीष अग्रवाल, सभासद नारायणी मोहल्ला। आपकी पंडाल जो है काफी बड़ी है, तो इतना बड़ा पंडाल बनने का क्या तात्पर्य है? हम लोगों को संदेश देना, पहले तो सर्वप्रथम मैं नगर के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आपको विजयादशमी के पर्व की अति शुभकामनाएं। उसके बाद ये पंडाल हमारा जो मकसद है, मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे नगर को स्वच्छ रखें, पॉलिथीन मुक्त बनाएं और इस तरह हम बीमारियों को भगा सकते हैं। गिरिजेश कुमार अग्रवाल। ये दुर्गा प्रतिमा जो स्थापित हुई है कहाँ पे हुई है? आर समाज मंदिर के प्रांगण में। निचलौल में हुई है ये? जी, मारवाड़ी एवं महाशय मोहल्ला में। कितने वर्षों से जो ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है? सन 1970 से। कितने लोगों की टीम जो है यहाँ कार्यरत है अभी? 25 लोगों की। बहुत ही सुंदर इस पंडाल में सबसे अच्छा माता जी का नौ रूप का दर्शन और मतलब सबसे भव्यता यहाँ पे, सबसे सुंदर तपुरा निचोड़ में सबसे सुंदर मंडप और बहुत ही कुछ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नए रूप में माता जी का यहाँ पे सबको बुलाया गया है, नौ रूप में बुलाया गया है और बहुत बढ़िया माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। Yeah.
जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक लगा, जबरदस्त है, शानदार व्यवस्था। ये जो पंडाल स्थापित किया गया कहाँ पर स्थापित है? ये जो पंडाल स्थापित किया गया कहाँ पर स्थापित है? ये कटरा चौराहे। कितने लोगों का सहयोग है और कौन कौन आप लोगों के साथ में सहयोग किए हैं? कटरा चौराहे के सभी व्यापारी का है और यहाँ के जितने भक्त द्वारा उनका सहयोग है। लगाएं जोर से।